नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और अब हुंकार शुरू होने को है। सियासत से सेना को आमतौर पर दूर रखा जाता है, बहुत दूर रखा जाता है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से अग्निपथ योजना के बाद अक्सर सेना को लेकर सियासत हो रही है और आज इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए नया विवाद शुरू हो गया है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आज सुबह एक ट्वीट किया और आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। तेजस्वी यादव के ट्वीट के कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी इस तरह का ट्वीट करते हुए दिखाई देते हैं। वो ये लिखते हैं कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी, आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? बीजेपी के सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी सवाल पूछ दिया। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी भी सवाल उठाने लगे। सेना में जाति के आधार पर भर्ती नहीं होती और अगर भर्ती के लिए जाति पूछी जा रही है तो ये ताज्जुब की बात है, उन्होंने लिखा। लेकिन जब हमने पहले के भर्ती फॉर्म को देखा, ये मेरे पास एक भर्ती फॉर्म है, इसका जो पूरा प्रिंट आउट है वो नहीं आ पाया है, ये हिस्सा कटा हुआ है, लेकिन ये जो भर्ती फॉर्म है ये 2014 का है। सरकार बने 2 महीने ही हुए थे। ये डेट मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, 21 जुलाई 2014 का ही है। यहाँ पर भी जाति बाकायदा पूछी गई है। आपके सामने अब मैं 2019 और 2022 का भर्ती फॉर्म रख रही हूँ, तो 2014 का था, अब ये 2022 और 2019 का। 2019 में देखिए जाति पूछी गई थी, 2022 में देखिए। हमने जब कुछ रिसर्च की तो ये पता लग गया कि व्यवस्था तो पहले से ही चली आ रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि अचानक इसमें कोई बदलाव किया हो। पहले भी सेना की भर्ती में जाति पूछी जाती है। कुछ देर बाद फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए, उन्होंने भी सफाई दे दी और ये कहा कि आजादी के पहले से ये व्यवस्था जो है वो चली आ रही है। हुआ है जो पहले व्यवस्था थी, हमारे आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं। तो जो व्यवस्था आजादी के पहले से चली आ रही है उसमें बदलाव की अफवाह किसने फैलाई? आखिर सेना में जाति वाले भ्रम को फैलाने से फायदा किसको होगा? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सेना के नाम पर ये जाति की सियासत क्यों की जा रही है? आज के हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संबित पात्रा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो आज को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अभय दुबे साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, मृत्युंजय तिवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के, जनरल शंकर प्रसाद रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनरल ए के सिवाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसीलिए सबसे पहले मैं राजनीति के जो पहलू है उस पर चर्चा करूं, उससे पहले जनरल प्रसाद सीधा सीधा सवाल, क्या मोदी सरकार ने अग्निवीरों से उनकी जाति पूछी है और जाति के आधार पर बांटने की किसी तरह की कोई साजिश है? बात को बिना समझे इस तरह की ट्वीट करने में मुझे बड़ी दुख होता है कि इस तरह की ट्वीट लोग कर देते हैं लोगों को भड़काने के लिए, जबकि पूरी चीज की ना तो जानकारी है और ना उसको पता करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ 2 किस्म की रेजिमेंट्स होती है। एक होती है ऑल इंडिया क्लास, उसमें कोई भी क्लास का कोई भी व्यक्ति भर्ती हो सकता है। दूसरी होती है क्लास बेस्ड रेजिमेंट, जिसके अंदर हमारे जिस तरह से एग्जाम्पल दू आपको, हमारी स्टूडियो में दे दीजिए प्लीज, मैं सुन नहीं पा रही हूँ जनरल शंकर प्रसाद को। Can you hear me now? जनरल शंकर प्रसाद, आपको देश सुन पा रहा है, मैं नहीं सुन पा रही हूँ। उसके लिए तो फिर आप ही कुछ कीजिए। हाँ, मैं तो यहाँ से आप अपनी बात जारी रखिए सर, आप अपनी बात जारी रखिए। कि मैं ये कह रहा था कि लोग बात टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं बिना पूरी बातचीत को पहचाने जाने। अब इसमें ध्यान अंतर्गत सोचा जाए तो मैंने जैसे अभी कहा कि भारत के अंदर एक ऑल क्लास रेजिमेंट्स होती है, जिसमें भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी जात किसी भी जगह का हो वो भर्ती हो सकता है। उस मिसाल के तौर बाहर रेजिमेंट है। दूसरी तरफ हमारे पास क्लास बेस्ड रेजिमेंट्स है, जिस तरह से पंजाब रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है। अब आपको मिसाल देता हूँ, डोगरा रेजिमेंट के अंदर केवल डोगरा ही भर्ती कर सकते हैं,
ना डोगरा जो है वो एक पर्टिकुलर इलाके से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, जम्मू कश्मीर के इलाके से आते हैं, तो उनके अंदर भी, डोगरों के अंदर भी जात हो सकती है, चाहे कोई ब्राह्मण होगा, चाहे कोई और कास्ट का हो, और कास्ट हो, लेकिन वो कास्ट नहीं पूछते हम केवल ये देखना चाहते हैं कि वो डोगरा है कि नहीं, वो पंजाबी है। जैसे पंजाब रेजिमेंट में 50% डोगरा है, 50% सिख है, तो हम ये पता करते हैं सिर्फ फॉर्म के अंदर कि ये लड़के डोगरा की वैकेंसी में आए हैं कि सिख की वैकेंसी में आए हैं। सिख लड़कों को सिख के अंदर भी तो जात होती है, तो जात तो वहां तो नहीं पूछते ना हम। अब देखिए, आप कमाऊ रेजिमेंट ले लीजिए, कमाऊ में कमाऊनी होने चाहिए, लेकिन वह ब्राह्मण भी होते हैं, तो उनको ब्राह्मण नहीं पूछते, उनको सिर्फ कमाऊनी साबित करना है। जैसे हमारे पास मद्रास रेजिमेंट है, जिस तरह से हमारे पास राजपूताना राइफल्स है, राजपूत होते हैं, उनमें भी कास्ट होती है, वो कास्ट नहीं पूछते, सिर्फ ये पूछते राजपूत है कि नहीं, इसके बड़े फायदे होते हैं। देखिए कास्ट बेस इस तरह, हाँ, वो 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट पे सेना की तरफ से हलफनामा दाखिल किया है सर, वो मैं पढ़ के आई हूँ, और वो जो आप अभी रीजंस बताना चाहते हैं वो इस एफिडेविट में भी बकायदा रीजन दिए गए हैं। एक के बाद एक जब ट्वीट आने लगे, तो बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बीजेपी ने क्या कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं चाहती हूँ पहले आप वो सुन लीजिए और उसके बाद तमाम मेहमानों से इस पर चर्चा। एक इंडिविजुअल ने इस पे PIL दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि जातीय और धर्म के आधार पर क्यों ये कॉलम होते हैं इंडियन आर्मी में। तो 2013 में ही एक सत्यपत्र अर्थात एफिडेविट सबमिट करके भारत की सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मत को स्पष्ट किया था और कहा था कि देयर इज नो रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस एज फार एज कास्ट इज कंसर्न, कोई रोल नहीं है, कोई भी इसमें धर्म और कास्ट के आधार पर सिलेक्शन का रोल नहीं है, किंतु एक प्रशासनिक अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव और संचालन या परिचालन, जिसको अंग्रेजी में ऑपरेटिव कहते हैं, यह एक ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट है, यह एक प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है, 2013 में सुप्रीम कोर्ट में इंडिया की आर्मी ने कहा था। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, संबित पात्रा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और संबित पात्रा ही इस वक्त ABP न्यूज के कार्यक्रम हुंकार में मौजूद है पैनलिस्ट के तौर पर। संबित पात्रा, आपका रुख करूं, क्योंकि आपने जो ये समझाया मृत्युंजय तिवारी जी, क्या ये बात आपके पार्टी के नेता को नहीं समझ में आया? मृत्युंजय तिवारी जी से मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ, इस बार उनको कौन सा पर्चा थमा दिया गया जिसे ना वो पढ़ पाए ना ही समझ पाए और सीधे ट्वीट कर दिया? देखिए रूबिका जी, जहाँ तक बात है, आप कह रहे हैं कि पर्चा थमा दिया, न पढ़ पाए न समझ पाए, वो नेता तेजस्वी यादव जी कितनों को पढ़ा देंगे विरोधियों को और कितनों को समझा देंगे? बिहार की जनता का विश्वास समर्थन जीता है तब न सबसे बड़े दल के रूप में बिहार विधानसभा में हैं। ये विरोधी वाली भाषा जो आप कह रहे हैं कि न समझ पाए न पढ़ पाए, अरे पहले के सेना प्रक्रिया में भर्ती प्रक्रिया जो थी वो अलग थी, वो 4 वर्षों के लिए नहीं थी। ये 4 वर्षों के लिए जो अग्निपथ योजना है, आप 4 वर्षों पे ऐतराज कीजिए, मुझे कोई दिक्कत बनेंगे नहीं उसको जी, लेकिन आपके नेता झूठ क्यों फैलाते हैं, भ्रम क्यों फैलाते हैं? मुझे ये बताइए कि जाति की व्यवस्था या जाति का सवाल पूछना ये पहली मर्तबा पर्चे में पूछा गया, फॉर्म में पूछा गया, हाँ या ना में जवाब दीजिए मुझे। देखिए रूबिका जी, जब पहली मर्तबा ये अग्निवीर योजना अग्निपथ आई है, तो ये पहली बार जाति, उस समय जब सेना की भर्ती प्रक्रिया थी उस समय जाति के पूरा सरकार का जो उसका सिस्टम था आजादी के 75 वर्ष के बाद लगातार, मैं आपकी हर बात को सर आंखों पर लेती हूँ, 75 वर्षों तक आजादी के बाद से आज तक 4 वर्ष के लिए कोई योजना सेना में नहीं आई थी। आप किसी पार्टी को बदनाम कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका राजनीतिक हक है, लेकिन हर चीज में अपनी राजनीति के लिए सेना को आप घसीटेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी सर। सेना के शौर्य पर सवाल नहीं है, नहीं ये क्या मोहन भागवत भर्ती कर रहे हैं पर सवाल है, नहीं सेना के इन अग्निवीरों को मोहन भागवत भर्ती कर रहे हैं। भाई आप समझ नहीं रहे, आप तो संघ के विचार से ही सरकार चल रही है ना, ये संघी सरकार जो है, सरकार चले संघ के विचार से, मेरे सैनिकों के बारे में आपने नहीं, मेरे सैनिकों को आपने संघ से कैसे जोड़ा मुझे ये बताइए, सरकार संघ चला रहा है सेना को,
सरकार की योजनाओं के खिलाफ, क्या बताना चाह रहे हैं? सरकार की योजनाओं के खिलाफ हमारी सेना इतनी छोटी है कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलेगी, किसी और संस्था द्वारा चलेगी? नहीं है, हम सेना के खिलाफ नहीं, समझ और बुद्धि छोटी है। भर्ती करने वाले सरकार के नहीं सर, मैं सब बर्दाश्त करूंगी, लेकिन देश के खिलाफ, देश की सेना के खिलाफ इस तरीके के आपके, इसे कहते हैं सोचने का दिवालियापन। तो हम आपको तो जो विपक्ष बोलता है वो देश के खिलाफ लगता है। मैं कह रही हूँ हर बार आपके लोग बोलता है, किसी भी स्टैंड के साथ में खड़ी रह सकती हूँ, लेकिन सेना पर आप इस तरीके से आरोप लगाकर कि जाति में बांटती है, पर्चे लेकर जाती, आप सरकार के साथ रहिए, आप सरकार के साथ रहिए, विपक्ष अपनी बात कहेगा और सरकार का विरोध पुरजोर तरीके से करेगा। पर ये कह रहे हैं कि संघ के कहे पर सरकार चलती है, सरकार के कहे पर सेना चलती है, सेना की कोई सूझबूझ नहीं है सर। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा सरकार चलती है और सरकार ने ये योजना बनाई है और सरकार की नीतियों पर सेना चल रही है। बात तो एक ही होगी ना सर, कान यहाँ से पकड़िए या वहां से। तो सरकार की नीतियों, सरकार की गलत नीतियों का विपक्ष ये नीति अभी आई है जाति पूछने वाली, हमारा धर्म है, ये नीति अभी आई है जाति पूछने वाली। मृत्युंजय जी, ये जनरल सिवाज बताइए, अग्निपथ योजना कब आई है? अग्निपथ योजना कब आई है? सकते हैं पहले चार वर्षों वाली योजना थी, उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन जाति का पहले चार वर्षों वाली योजना नहीं थी, जाति को लेकर झूठ नहीं फैला सकते हैं। रूबिका जी, मृत्युंजय जी, आपके लीडर की जो जातीय जनगणना से दूर भागती है, आज ये चार वर्षों से अग्निवीर पूछ रही है। आप अग्निवीर पर मत आइए, आज जाति पर बात होगी, क्योंकि ये जाति वाली व्यवस्था जो पूछे जाने वाली है, तब लालू जी भी सरकार में हुआ करते थे, तब तो आपके आंख कान नाक नहीं खुले। किसी से भी पूछ लीजिए, सेना का मजहब क्या है, सेना की जात क्या है, वो एक ही लफ्ज आएगा, भारत और हिंदुस्तान। लेकिन आज विपक्ष की तरफ से ये कह दिया गया है कि पर्चों में, भर्ती फॉर्म्स में जाति पूछी जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? संबित पात्रा, अब मैं चाहती हूं कि आप इसका जवाब दें। आप जाति पूछ रहे हैं और इसलिए क्योंकि आपकी कोई साजिश है? देखिए रूबिका जी, अभी यहाँ हमारे आर्मी के दो सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने तरफ से समझाने की कोशिश भी की है। बहरहाल ये सारा जो विषय है आर्मी में भर्ती करने का तरीका है, ये प्री इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले का तरीका है। स्वतंत्रता के बाद 1949 में एक स्पेशल आर्मी ऑर्डर बना करके इसको फॉर्मलाइज कर दिया गया और उसमें तीन चीज़ें आवश्यक रूप से प्री इंडिपेंडेंस के समय से पूछी गई, बाद में भी पूछी गई। डोमिसाइल, आप किस रीजन के हैं। दूसरा पूछा जाता है कि आप किस जाति के हैं। और तीसरा, आप किस धर्म के हैं। ये कोई मोदी जी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, ये हमारे स्वतंत्रता से पहले और उसके बाद भी चलता रहा और स्पेशल आर्मी ऑर्डर 1949 को निकला। इस पूरे विषय को लेकर आईपी यादव एक डॉक्टर होते थे जिन्होंने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया और कहा कि ये आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में नहीं होता है, आर्मी में क्यों होता है, क्या आर्मी डिस्क्रिमिनेट करती है। तो आर्मी ने एक एफिडेविट सबमिट किया था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है क्योंकि ये एक प्रशासनिक और एक ऑपरेशनल आवश्यकता है, 22 रेजिमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। धर्म क्यों पूछा जाता है, क्योंकि कोई अगर किसी की ट्रेनिंग के समय या किसी काम के समय शहादत को वो प्राप्त करता है हमारा आर्मी का जवान, तो फिर उसे हम उसी प्रकार अपने धर्म की सेंसिबिलिटी के अनुसार उसका अंतिम क्रिया कर सके, इसलिए धर्म पूछा जाता है। डोमिसाइल इत्यादि, क्योंकि रेजिमेंट में लिंग्विस्टिक और रीजन के बेस पे आपको रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट इत्यादि का निर्माण करना पड़ता है, इसलिए पूछा जाता है। देखिए, ये कुछ भी प्रक्रिया जो है ये मोदी जी ने आरंभ नहीं किया है, ये पहले से ही एग्जिस्टिंग प्रक्रिया है और आपने देखा है ये जो एफिडेविट के विषय में मैं बात कर रहा हूँ, ये तमाम अखबारों में भी एफिडेविट की प्रति छपी, एफिडेविट भी एबीपी न्यूज के पास है, वो भी उन्होंने हमने अपने दर्शकों को बताया। लेकिन ये बताइए कि आज जो ये मुद्दा उठा है तो फिर उठा क्यों है, क्यों विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जाति पूछी जा रही है? देखिए स्वाभाविक है, आप देखिए कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको 2014 के बाद उनकी सिचुएशन को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा उन्मादी परिस्थिति देश में बनाना है ताकि देश में सड़कों पर आगजनी शुरू हो जाए, युवाओं के अंदर एक डिस्कंटेंट,
एक असंतोष का भाव उत्पन्न हो जाए, युवा मोदी जी के खिलाफ कैसे हो जाए, क्योंकि कोई विषय नहीं है इनके पास। तो स्वाभाविक रूप से अगर भड़काया जाएगा कि देखो तुम्हारी जाति के आधार पर, क्योंकि तुम फलाने जाति के हो, तुम्हें आर्मी में भर्ती नहीं दी जा रही है, उस प्रकार की राजनीति करके फिर से देश में आगजनी हो, ताकि कहीं ना कहीं इन लोगों की जो बुझती हुई दिया है, राजनीतिक दिया, उसको घी बाती मिले। इसी प्रकार से इन्होंने राजनीति हमेशा से की है। युवाओं को भड़काने के लिए संबित पात्रा ये कह रहे हैं ये चाल आप लोगों ने चली है, लेकिन कांग्रेस तो पूरा होमवर्क करती है कोई मुद्दा उठाने से पहले। रूबिका जी, क्या कांग्रेस पार्टी ने या विपक्ष ने भड़काया? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बार बार देश को यह कहा कि 30 साल से इस पर काम चल रहा है, तो जो आजाद भारत के पहले CDS थे बिपिन रावत साहब, वो क्या कह रहे थे? उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, वो ये कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि कर्नल्स की जो 54 साल में रिटायरमेंट है वो 57 साल कर दी जाए, ब्रिगेडियर्स की 56 से 58 कर दी जाए। पहले सुन पाई आप जो मैंने बोला? जी। बिपिन रावत साहब ही कह रहे थे कि जो सैनिक है हमारे बिचारे, जिनको हम शुरुआती समय में सियाचिन में, गुरेज में, ऐसे कठिन क्षेत्रों में रखते हैं, और जब वो वापिस आते परिवार से मिलने आते हैं, वापस आते तब तक वो रिटायर हो जाते हैं, और 18,000 रुपए सिर्फ हम पेंशन देते, वो मारे मारे फिरते हैं। वो कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि ये पूरी की पूरी सेवा अपनी सेना में दे। और एक और प्रमाण मैं आपको बहुत बड़ा देता हूं, 2020-21 में इन्होंने 47 रिक्रूटमेंट रैलियां की है, ये लोकसभा में बताया है, 21-22 तक में भी रैलियां की, जो कह रहे थे ना कि हम लोग तो 30 साल से कर रहे हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट रैलियां, साहब सुनिए ना, रिक्रूटमेंट रैलियां क्यों की आपने? आप धोखा दे रहे हैं देश को, आप देश के सेना के साथ धोखा कर रहे हैं। सेना को तो आपके आदेश का पालन करना ही है, जितने वेटर्स आ रहे हैं। ये डिस्कशन का पॉइंट इस वक्त नहीं है, मुद्दा है जाति को लेकर, और मैं आपके सामने तीन कांग्रेस के बयान रखना चाहती हूँ जो आज आए हैं। सुनिए वो क्या बयान है, सुनिए आप क्या कह रहे हैं, वो आज इसी जाति जो फॉर्म में पूछी जा रही है उस पर सुनाती हूँ मैं। अग्निवीर देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की स्कीम है, अब उसमें जाति पूछकर आप और बंटवारा कर रहे हैं। ये जाति पूछकर और बंटवारा कर रहे हैं, तो इससे पहले क्या कर रहे थे? रूबिका जी, मेरे तो सेना के जो वरिष्ठ लोग हैं, मूर्धन्य लोग हैं, मैं बड़ा आदर करता हूँ, उनसे पूछिएगा कि अग्निवीर जो स्कीम है, मुझे नहीं पता, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया जिसका संबित पात्रा जी जिक्र कर रहे हैं ना, मुझे दुख हुआ, दो बार उन्होंने कह दिया कि सेना सैनिकों की मृत्यु होती तब, अरे नहीं साहब, शहादत होती और एक भी सैनिक की शहादत नहीं होनी चाहिए, उस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये बताऊं कि ये कहा गया एफिडेविट में कि हाँ उनके रीजन के, मैंने शहादत ही कहा था, मैंने मृत्यु तो कहा ही नहीं था, मैंने शहादत किया था। सुनिए संबित पात्रा जी, वो भी आपके मुंह से शोभा नहीं देता, क्यों हमारा एक भी सैनिक शहादत को पा जाए, ये हमारा हमको अच्छा नहीं लगता, मतलब शहादत भी इस्तेमाल ना करे, क्या विषय है, क्या डिबेट हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रूबिका जी सुनिए, मैं गंभीर बात करता हूँ, जैसे डोगरा रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, गोरखा है, गढ़वाल है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया और उसी समय समानांतर रूप से एक केस और फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट के जो बॉडीगार्ड है उसमें तीन ही कास्ट, वो तो नोटिफिकेशन भी कास्ट का होता है जिसमें राजपूत, सिख और जाट को प्राथमिकता दी जाती, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले केस में उन्होंने कहा जो संबित पात्रा जी बता नहीं पाए कि अगर कोई अफेक्टेड है, अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो PIA फाइल करेगा तो हम इंटरटेन करेंगे, अदरवाइज हम इसको इंटरटेन नहीं करना चाहते, और डिस्पोज ऑफ कर दिया। बड़ी बात ये पूछिएगा इनसे कि क्या ये जो अग्निवीर की भर्ती की है या ऑल इंडिया ऑल क्लास है या रेजिमेंटेशन सिस्टम है? रेजिमेंटेशन सिस्टम है तो फिर पुरानी प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बड़ा एक आघात हुआ है ना, एक सेकंड बस आखिरी बात कहना चाहता हूँ, आखिरी बात, 97,177 वैकेंसी आर्मी में है, 11,166 वैकेंसी नेवी में है, और 4,850 वैकेंसी
एयरफोर्स। संबित पात्रा कुछ कहे उससे पहले जनरल शंकर प्रसाद कुछ आपसे, नहीं नहीं जनरल शंकर प्रसाद आप ही से मुखातिब होना चाह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। एक बात मैं अपनी बात खत्म कर दूं, शंकर प्रसाद का फिर आप एक सेकंड। तो सिर्फ आपने 46,000 भर्तियां निकाली, इसका अर्थ क्या हुआ कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जो सबसे छोटी यूनिट होती है स्क्वाड मान लीजिए, उसमें 10 सैनिक हैं, तो अब आप उसकी जगह 7 रखेंगे, 7 में से भी 15 साल बाद 75% अग्निवीर होंगे जो पूरी तरह तैयार नहीं है। आप नहीं मुद्दे से भटक रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्योंकि देखिए अभय जी, मैं बहुत अच्छे से आपके लिए तो वाउच कर सकती हूँ कि बहुत आप तैयारी करके आते, पढ़ लिख कर आते, अपना होमवर्क पूरा होता, और इसीलिए आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जाति वाले पे आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके नेता जो बयान दे गए हैं वो गलत बयान दे गए हैं, और इसीलिए आप इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आप पहला केस, दूसरा केस, चौथा केस, पंद्रहवा केस कर रहे हैं। जनरल प्रसाद 30 सेकंड सर, और उसके बाद जनरल सिवाच अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जनरल प्रसाद, दो बातें हो रही है, रिलीजन की बात हो रही है और अग्निवीर को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। पहले अग्निवीर को ले लीजिए, अग्निवीर में 40,600 या जितनी भी वैकेंसी निकली है वो हर एक रेजिमेंट में बांटी जाएंगी उस प्रकार से जहां पर वैकेंसी एग्जिस्ट करती है। अगर पंजाब रेजिमेंट के अंदर 100 व्यक्तियों की वैकेंसी है तो पंजाब रेजिमेंट 100 व्यक्तियों को भर्ती करेगी और अपनी अपनी जो क्लास कॉम्पोजिशन है उसके मुताबिक भर्ती करेगी। अगर राजपूत वैकेंसी है तो वो करेगी। दूसरी बात यह है कि देखिए, डोगरा इज नॉट अ रिलीजन, डोगरा रेजिमेंट है, पंजाब इज अ रेजिमेंट, पंजाब इज नॉट अ रिलीजन, राजरेफ इज नॉट अ रिलीजन। तो आप समझिए, रिलीजन की बात मत कीजिए। संबित पात्रा जी ने इतनी डिटेल में समझा दिया कि हम क्लास बेस्ड रेजिमेंट्स हैं और ऑल इंडिया क्लास रेजिमेंट है, जैसे कि गार्ड्स है, जैसे कि महार है, ये ऑल इंडिया क्लास बेसिस रेजिमेंट है। पंजाब रेजिमेंट जो उसमें डोगरा 50% और सिख 50% है, सिख रेजिमेंट में टोटल 100% सिख है। यही और तो आप डोगरा आज सुबह क्या हो गया जनरल, मैं यही तो जानना चाह रही हूँ जनरल सिवाच, आज क्या हो गया? हालांकि ये सवाल आपसे नहीं बनता है, तो मृत्युंजय तिवारी जी से बनता है और अभय दुबे जी से बनता है, लेकिन आज सुबह आप उठे, आपको कोई मुद्दा नहीं लगा, मिला भी नहीं, तो आपने कोई एक ऐसी चीज निकाल दी कि चलो भ्रम फैला दिया। ये मुद्दा नहीं है, ये भ्रम है, ये झूठ है। देखो, सच्चाई तो ये है कि अभी और पहले में कोई बदलाव नहीं आया। जैसे भर्ती पहले होती थी, अभी भी ऐसे ही भर्ती हो रही है। जो कुछ दो टाइप की भर्ती हैं, एक है ऑल क्लास ऑल इंडिया, इसका मतलब कि हर क्लास के जा सकते हैं, जैसे गार्ड रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, या आर्टिलरी, या आर्मर्ड, या एएससी, या ऑर्डिनेंस। एक है जो कि कास्ट और एरिया बेस है, जिस प्रकार से इन्फेंट्री यूनिट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, तो इनके अंदर वही लोग आते हैं उस जिस एरिया से हैं, स्पेसिफिक कास्ट से हैं या रिलीजन से हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो रिलीजन पूछने का जो है, कि जब अगर कोई भी जवान शहीद हो जाता है लड़ाई के समय, उसके हाथ में एक डिस्क होती है, उसमें उसका नंबर, उसका रिलीजन होता है, तो उसका अंतिम संस्कार उसके तहत किया जाता है। अगर आप कारगिल की लड़ाई देखें, उस समय जब 99 के अंदर पाकिस्तानियों ने अपने जवानों को वापस लेने से मना कर दिया था, तो उनका भी अंतिम संस्कार उनकी जो डिस्क को देख के किया गया था। उनका मजहब क्या है? अगर उनका मजहब मुसलमान है तो उस प्रतिक्रिया से किया गया था। मैं दोबारा बताना चाहता हूं, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, भर्ती का वही तरीका है जो कि हमने प्री इंडिपेंडेंट से फॉलो कर रहे हैं, और हम अभी भी यही कह रहे हैं कि इसको फॉलो करो, क्योंकि ये आपका टाइम टेस्टेड है और यही फॉलो हो रहा है। इसमें कोई बदलाव नहीं है, तो ये अफवाहें हैं, गलतफहमी है, इसको दूर करना चाहिए। फैलाने के लिए क्या आप देश की जनता से माफी मांगेंगे? कर दिया कि मृत्युंजय जी कानापूसी बाद में। फोन हो गया है डिस्कनेक्ट। मृत्युंजय जी, मैं चाहती तो हूं कि आपकी सारी बातें इस वक्त देश सुन ले, कि आप कानापूसी क्या कर रहे हैं। जुड़ गए आप वापस, मुझे जानकारी ये मिल रही है, क्या बातें चल रही हैं सर, हमें भी बता दीजिए जी। मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप माफी मांगेंगे? आपने भ्रम फैलाया है, अफवाह फैलाई है। इससे सवाल
देखिए रूबिका जी, आप जो सवाल कर रही हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज़ादी के 75 वर्षों तक सेना में ठेके पर अग्निपथ व्यवस्था लागू नहीं थी। सेना में जो नई व्यवस्था लागू की गई है, 4 वर्षों के लिए अग्निवीर नौजवानों को बनाया जाएगा। अग्निवीर, अग्निपथ, इस पर मैं कभी और डिस्कस कर लूंगी सर, मैं वादा करती हूं। अभी जाति के नाम पर जो आपने अफवाह फैलाई है, मुझे उस पर जवाब दीजिए। क्या चाहते हैं आप, मुझे ये बताइए, जाति के नाम पर जो अफवाह फैलाई है, उस पर माफी मांगेंगे आप? अफवाह, देखिए देखिए, अफवाह फैलाना हमारा काम नहीं है। तो ये कौन भाई साहब हैं? विपक्ष के रूप में सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे। नहीं नहीं, तो और आप लाख इसका, मैं लाख जो भी सर, आप इसके लिए विपक्ष को, मैं विपक्ष को नहीं, मैं तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहरा। सुन लीजिए, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि सरकार की गलत नीतियों का हम विरोध करना छोड़ दें? किसने लिखा है जात ना पूछो साधु की? ये लिखा है हमारे नेता ने, फौजी की, ये किसने लिखा? हमारे नेता ने लिखा है, हम सीना ठोक कर बोलते हैं। हाँ, और लिखा है हमारे नेता ने, किसके लिए लिखा है? इसको बिहार की जनता ने सबसे बड़े दल के रूप में, नहीं किसके लिए लिखा है, किसके लिए लिखा है? अग्निपथ योजना में जो अग्निवीर नौजवान बनेंगे, चार वर्षों के लिए, जिसे आप इस वक्त याद कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंस यानी आजादी से पहले से चली आ रही योजना, तो आप ये कहिए कि ये योजना गलत है, जाति देख करके उसको हटाया जाएगा। इधर उधर आप बाकी सब डिबेट्स में हो सकते हैं, आप मुझे ये बताइए, नहीं सुनूंगी सर, नहीं सुनूंगी। सुन लीजिए रूबिका जी, पहले इस बात पर आप मुझे बताइए, पहले बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय जी ने क्या कहा? कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा, उस बीजेपी कार्यालय में जितने सवाल पूछे जाने थे, वो सवाल मैंने पूछे, और इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछने से पीछे नहीं हटूंगी। मुझे ये बताइए, तेजस्वी यादव ने जो कहा है, जात ना पूछो फौजी की, यानी जो जात फौजी की इससे पहले तक पूछी जाती रही है, वो गलत है? तेजस्वी, वो गलत है? सुनिए, सुन लीजिए, तेजस्वी यादव जी ने कहा है, देश के उन नौजवानों के लिए, वो गरीबों के बेटों के लिए, झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए, वहीं के लोग जाते हैं, किसानों के बेटे, आम लोगों के बेटे जाते हैं। उन्होंने भ्रम फैलाया है, उन्होंने अफवाह फैलाई है, पूंजीपतियों के, आप ये कह रहे हैं जो उन्होंने लिखा है वो एकदम सही है? उन गरीबों के बेटे, उन झोपड़ी में रहने वालों के बेटे सेना में जाते हैं, उसके लिए तेजस्वी यादव जी ने सवाल खड़ा किया है। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए, अगर आप ये चाह रहे हैं कि इमोशनल कार्ड प्ले करके आप एजेंडा सेट करके बैठे हैं, तो बोल दीजिए, तो विपक्ष को बुलाइए मत, और ऐसी बातें करके, चूंकि आप फंस रहे हैं चौतरफा, ऐसी बातें करके अगर नहीं, आप विपक्ष को बुलाइए मत, नहीं हो पाएगा। अगर आप एजेंडा सेट करके बैठे हैं, तो आप विपक्ष को मत बुलाइए, विपक्ष को सुनना ही नहीं है। ये विक्टिम कार्ड नहीं, आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कीजिए, सरकार के लोग भ्रम फैलाए, आप सरकार के लोग भ्रम फैलाए तो वो ठीक है, और विपक्ष सवाल पूछे तो वो भ्रम फैलाना हो गया। इस्तेमाल मत कीजिए सर, मैं तथ्यों पर चलती हूँ, और तथ्यों पर मुझे जवाब दीजिए कि अगर जात फौजी की पूछी जा रही है तो गलत किया जा रहा है? हम भी अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हैं, जवाब दीजिए, हम एक जिम्मेवार विपक्ष के रूप में जिम्मेदारी से जवाब दीजिए। अगर फौज की जात पूछी जा रही है, चाहे आज पूछी जा रही हो या कल पूछी जा रही थी, तो गलत था? लालू प्रसाद यादव गलत थे? देखिए ऐसा है रूबिका जी, हमने कहा कि अग्निपथ योजना अग्निवीर बनाने की, ये प्रथम बार इसके लिए फॉरम निकला है। वो पहले फॉरम में रहता था तो वो 4 वर्षों के लिए ठेके पर बहाली नहीं होते थे सेना में नौजवान। आज सबसे ज्यादा परेशान देश में नौजवान और किसान है। अगर अग्निवीर मसला नहीं होता तो जाति चल जाती, आप कह रहे हैं कि अग्निवीर में जाति नहीं चलेगी। मृत्युंजय तिवारी जी ने एक नया फॉर्मूला निकाल दिया है। जिस देश के माननीय प्रधानमंत्री संसद में अपने मंत्रियों का परिचय जाति से कराते हो, उस पर आप जाति पर क्या सवाल खड़े कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, देखिए रूबिका जी, जाति के विषय में मृत्युंजय जी इतने बिफर गए हैं, ये वो लोग जो जाति के आधार पर जनगणना चाहते हैं, वो जाति के ऊपर इतना नाराज हो गए हैं। देखिए रूबिका जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाया था, ये वो लोग हैं जिन्होंने आर्मी को लेकर एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाया था। रूबिका जी, ये एक साधारण डिबेट नहीं है, देखिए बहुत गंभीर डिबेट है, क्योंकि देश की जनता में क्या होता है, एक शक की बीज।
आप एक डाउट जागृत कर दीजिए कि इंडिया की आर्मी जो है इंडिया के लोगों को जाति के आधार पर बांटना चाहती है। रूबिका जी मैं जरा रूबिका जी मैं आराम से बात कर सकता हूं, मैं किसी के बीच में चिल्लाता नहीं हूं, मैं चाहता नहीं हूं कि कोई मेरे बीच में चिल्ला करके यहां पर इस प्रकार से डिबेट खराब करे, लोग सुन रहे हैं। रूबिका जी एक शक की बुई आप याद करिए, 2014 से ये प्रयास है विपक्षियों का कि आर्मी को लेकर, आर्मी का चीफ कैसा है, सड़क का गुंडा जैसा है। इंडिया की आर्मी कैसी है, वो सर्जिकल स्ट्राइक उसने किया नहीं है। इंडिया की आर्मी कैसी है, जो इंडिया की आर्मी डिस्क्रिमिनेट करती है, वो वैमनस्यता फैलाती है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। ये वो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी ने 2013 में एक डिमांड किया था पार्लियामेंट में खड़े होकर कि हमें हेड काउंट चाहिए कि इंडियन आर्मी में कितने मुसलमान है, आपको याद होगा उस पे बीजेपी आंदोलन में कोई किया था कि किसी भी कीमत पे कितने मुसलमान है आर्मी में, इसका हेड काउंट नहीं, कोई हेड काउंट नहीं होना चाहिए, कितना मुसलमान है, कितने धर्म के लोग हैं आर्मी में, ये हेड काउंट नहीं होना चाहिए। इसकी डिमांड कांग्रेस पार्टी ने अभी 18 में हुसैन दलवाई साहब ने फिर से किया चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री को, और यहां पर आके यहां ड्रामा कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के रूबिका जी कहता हूं, हमारे देश की आर्मी बिल्कुल स्वतंत्र आर्मी है, हमारी देश की आर्मी सबसे डिसिप्लिन और अच्छी आर्मी है, देश के लिए हमेशा शहीद होने वाली आर्मी है। उस आर्मी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि आर्मी देश को बांटना चाहती है धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर, मुझे लगता है कम से कम राजनेताओं को और पॉलिटिशियंस को इससे बहुत दूर रहना चाहिए, आर्मी को राजनीति से दूर रखना चाहिए। मृत्युंजय तिवारी जी, रूबिका जी, रूबिका जी, सेना के शौर्य पर हमें गर्व है और फक्र है, सेना के शौर्य पर कभी सवाल किसी ने नहीं खड़ा किया है, लेकिन जो तो सेना ही तो भर्ती प्रक्रिया कर रही है, के आंदोलन तो मोदी जी थोड़ी भर्ती प्रक्रिया कर रहे हैं, ये अग्निवीर के बदले आरएसएस वीर तैयार करेंगे तो ये भी विपक्ष नहीं होने देगा। क्या क्या सब बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, ये अग्निवीर आर्मी, ये आरएसएस वीर। रूबिका जी अबे जी बस एक सेकंड, मृत्युंजय जी भर्ती कौन कर रहा है, आरएसएस कर रही है, सेना के शौर्य पर कहीं कोई सवाल, सेना कर रही है नहीं, सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, सेना के शौर्य पर सबको गर्व है, 130 करोड़ देशवासियों को। सवाल है बीजेपी सरकार की गलत नीतियों का, जो ये अग्निवीर के माध्यम से ये आरएसएस वीर बनाना चाहते हैं, इसका हम विरोध डंके की चोट पर करेंगे, चाहे इसके लिए सरकार को, बीजेपी को, चाहे जितना बुरा लगे, जिनका स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, वे हमें सेना के लिए और सैनिकों में जो बहाली होंगे उन पर हमें प्रवचन ध्यान न दें। जनरल सिवाज पर यकीन है ना आपको, जनरल सिवाज पर यकीन है, जनरल प्रसाद पर आपको यकीन है, इन दोनों महानुभावों को, सीनियर्स को मैंने यहां पर बुलाया है, ये आपको पिछले 38 मिनट से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप नहीं सुनेंगे क्योंकि आपने एजेंडा सेट कर लिया है। मैं दोबारा कोशिश करूंगी कि जनरल सिवाच और जनरल प्रसाद आपको बताए सच्चाई क्या है। स्वागत है आप सभी का। तो सेना में भर्ती पर भ्रम किसने फैलाया, इस पर अभी बहस चल रही है। मृत्युंजय तिवारी जो कि आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि हमारे नेता ने कोई भ्रम नहीं फैलाया है, हम सच का साथ दे रहे हैं और ये मुद्दा आगे भी उठाते रहेंगे। जनरल प्रसाद आपने भी सुन लिया है। जी मैंने कई दफा सुन लिया और कई दफा समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अब ये बात ले आए कि अग्निवीर का भी चक्कर चलाना शुरू कर दिया इन्होंने, इसमें आरएसएस का कोई, देखिए ये सब बातें बिल्कुल बेबुनियाद है। अब बेसिक चीज को समझिए जिस पर डिबेट हो रही है कि जाति के ऊपर संबित पात्रा जी समझा चुके, शिवाज जी समझा चुके, मैं समझा चुका कि जात का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर हमारी रेजिमेंट्स के अंदर दो किस्म के लोग आते हैं, कोई सिख आता है और कोई डोगरा आता है, तो हमारे मंदिर और गुरुद्वारा दोनों होते हैं एक ही यूनिट के अंदर, एक ही टेंट के अंदर, एक ही बिल्डिंग के अंदर। अगर चार रिलीजन के लोग भी आते हैं तो चारों के मौलवी और चारों के जो रिलीजियस हेड जो होते हैं वो हर एक ही कमरे में बैठते हैं, वहां पर कोई रिलीजन का सब इधर उधर नहीं होता। देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन रिलीजन ऑफ वन पर्सन टू द अदर पर्सन, ये कहीं किसी आर्मी में नहीं होता, इंडियन आर्मी किसी रेजिमेंट में नहीं होता। हाँ जो ऑल इंडिया क्लास रेजिमेंट है उसमें सब क्लासेस हैं, सब रेजिमेंट हैं, वो पार्टीशन के बाद बनी है, इंडिपेंडेंस के बाद बनी है। ओके, जैसे आपने पहले सुना जनरल प्रसाद, लेकिन जो आपने समझाया मृत्युंजय, मुख्य सवाल ये क्या पंजाब रिलीजन है, क्या डोगरा रेजिमेंट रिलीजन है, क्या राजपूताना राइफल रिलीजन है, क्या मराठा रिलीजन है? ये तो हमारी रेजिमेंट्स के नाम है,
और जो जात पूछी जाती है उसके बारे में विस्तार संबित पात्रा जी बता चुके, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ ना, अब हमें लगभग 43 मिनट हो गए हैं सर। मैं अभय जी, बस मैं अभय जी, अभय जी, भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कार्यक्रम चलाकर नहीं दे रही। अभय जी, अभय जी, मुझे बस 20 सेकंड दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। एक बार रुकिए आप। मृत्युंजय तिवारी, अब आपको समझ में आया कि नहीं आया जी? हम उनके जनरल साहब जो बैठे हैं, जो बात कर रहे हैं, शंकर प्रसाद जी का हम सम्मान करते हैं, सेना का सम्मान विपक्ष ने ही किया है, बीजेपी ने, आरएसएस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया है। जो बातें कही जा रही है वो बात समझनी पड़ेगी कि अग्निवीर योजना मात्र 4 वर्षों के लिए है। जो नौजवान 4 वर्ष के बाद रिटायर करेंगे, इसके बाद 75% नौजवानों को वो जाति देख करके फिर वो अपना काम करेंगे। और बाकी कैलाश विजयवर्गीय जी ने तो कह ही दिया है कि 4 वर्षों के बाद वो बीजेपी कार्यालय में गार्ड का काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी के कहने का तात्पर्य क्या है, ये बात शंकर प्रसाद नहीं समझ रहे। किया जाएगा वो जात के आधार पर रिटेन किया जाएगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, आपने आपने ये शक जाहिर कर दिया अभी से, यानी आपने सेना पर शक जाहिर कर दिया, क्योंकि वहां पर मोदी, संबित पात्रा, अमित शाह और बाकी सेना पर नहीं किया है। अरे तो सेना भर्ती प्रक्रिया में है ना सर, चूज सेना करेगी ना, संबित पात्रा थोड़ी करेंगे। अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए। अरे आप अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए। हम बार बार कह रहे हैं हम सेना का सम्मान कर रहे हैं, सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन सेना की प्रक्रिया का हम सम्मान नहीं करते। अग्निवीर पर सवाल है, सेना पर विश्वास नहीं करते लेकिन सेना का सम्मान करते हैं। अग्निवीर पर सवाल है, अरे अग्निवीर को कौन एग्जीक्यूट करेगा सर, कौन करेगा? अग्निवीर योजना है, 4 साल के ठेके की बात हो या 40 साल की, उसे एग्जीक्यूट कौन करेगा मृत्युंजय जी? हम करते रहेंगे, पता नहीं कैसे करते रहेंगे सर। अच्छा, आप कीजिए सर विरोध, कीजिए, देश देश समझ रहा है। एजेंडा लेकर बैठे हैं सर, अबे दुबे जी, जब आप एजेंडा लेकर बैठे हैं, मैं कोई एजेंडा, मैं देश का एजेंडा लेकर बैठी हूँ सर। आपको जब कुछ नहीं मिलता है तो आपका ये फेवरेट शब्द है एजेंडा, हम इसका विरोध करेंगे। हाँ, करते रहिए सर। रूबिका जी, मैं गंभीरता से कुछ सवाल खड़े करना चाहता हूँ। देखिए, इससे बड़ी बात है, आजाद भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जिसकी ऑफिशियली सेना ने शिकायत की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि हमारे शहीद सैनिकों की तस्वीर विज्ञापन में लगाकर ये लोग वोट मांगते हैं। और सारे राजनीतिक दलों के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया कि आइंदा ऐसा नहीं करें। उसके बावजूद चुनाव में सैनिकों की शहादत पर इन लोगों ने वोट मांगे। अब मैं 2 खुलासे बड़े करता हूँ। जो सेना ने एलोकेशन मांगा था मोदी सरकार ने, उसमें से 1,02,376 करोड़ रुपए कम कर दिया। कैपिटल आउटलेट में से 62,000 करोड़ रुपए कम कर दिया। आत्मनिर्भर भारत का नारा बोल रहे हैं ये सब राहुल गांधी। 30,000 करोड़ रुपए के विदेशों से इन्होंने इस बार वेपन्स खरीदे हैं। और ये कह रहे थे कि हम इंडिजीनियस प्रोडक्शन करेंगे जो 14-15 में 25,000 करोड़। इनकी तो हालत ऐसी है कि कागज लिख के भी दो तो पढ़ नहीं पाते हैं, फिर क्या क्या बोलते रहते हैं के नाम पर। अरे कितना बड़ा धोखा दिया। क्या विषय है, क्या चल रहा है? तो प्रधानमंत्री कहां से बताइए, जिम कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे, उसके बाद रुद्रपुर की रैली एड्रेस की वहां टेलीफोन पर। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात है? सेना ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एस्टिमेट, मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेना को पहुंचाया। आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, खंडूरी साहब सर खुलासा हो गया, उन्होंने कहा कि सबसे कम बजटरी। 2 बड़े खुलासे सर आपने कर लिए, अब जाति पर खुलासा कर दीजिए। मैंने सुना आपको, मैं और वक्त दे रही हूँ आपको 30 सेकंड। जाति पर आप अपनी बात रखिए, मैं 30 सेकंड का टाइमर। सेना में जाति पूछने पर अभय दुबे 30 सेकंड में क्या बात रखेंगे? जाति जाति जाति, जिसका आपने विरोध किया है। 30 सेकंड सर, टाइम आउट। मैं 30 सेकंड में देश के सम्मुख ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए अग्निवीर जैसी स्कीम लॉन्च की है, ये उसे वापस लेनी पड़ेगी। जितने वेटर्न्स हैं सारे कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना ठीक नहीं है। अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, उसकी जो रिपोर्ट है वो उसकी एक लाइन से बता देता हूँ। पुअर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट एंड यूज ऑफ यंग टुगेदर है वो कल्मिनेटेड इन कोलैप्स ऑफ फ्रंट लाइन रशियन बॉर्डर। आज रशिया को इसका खामियाजा उठाना पड़ा है। मैं फिर कोशिश कर रही हूँ, देश को ही देखना चाहिए। अभय दुबे जी
30 सेकंड टाइमर में दोबारा डाल रही हूं। जो आपने सवाल उठाया है, विपक्ष ने सवाल उठाया है कि सेना में जाति पूछी जा रही है, जाति के आधार पर सेना को बांटने की कोशिश की जा रही है, 30 सेकंड उस पर बोलिए। टाइमर अगेन। मैंने आपसे फिर कहा कि अग्निवीर योजना मोदी सरकार को, देश को, सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए लॉन्च किए, पड़ेगा। और सिर्फ उसका कारण यह है कि इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था तबाह कर दी। के पास वेतन पेंशन के पैसे नहीं है, ये पेंशन का बिल रिड्यूस करना चाहते थे, इसलिए वन रैंक वन पेंशन की अपेक्षा दो रैंक नो पेंशन का प्रोविजन कर दिया है। और सैनिकों को भारत के जो अपने लिए, हमारे लिए चार्जर देते हैं, उनकी पेंशन कैसे आप समाप्त कर सकते हैं? सवाल पर मत रहिए, बड़े सवाल है, डिबेट जाति पर हो रहा है। आप लोगों ने मुद्दा सेना को जाति पर बांटने का उठाया है, और जाति पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, ना मृत्युंजय तिवारी जाति पर बोलेंगे, ना अभय दुबे जाति पर बोलेंगे। आपको लगता है कि आप देश को गुमराह करेंगे, देश को भ्रमित करेंगे, और फिर आप कहेंगे कि नहीं, मैं जाति पर बात नहीं करूंगा। क्या गलती है पहुंचाने का ये मुद्दा? संबित पात्रा अपने चैनल पर ये मुद्दा की पूरा देश देख रहा है, आप कितना इंसाफ लगाएंगे? आपने जैसे सेना की जाति को लेकर भ्रम फैलाया, वैसे मुझको लेकर भ्रम फैला दीजिए। देश तो देख रहा है ना सर, जनता बेवकूफ तो नहीं है? समित पात्रा, हम लोगों ने कह दिया है, समित पात्रा, समझ में नहीं आ रहा है? मेरे को भी जरा 30 सेकंड दे दीजिए, अब ये बोलने नहीं देंगे, मेरे को आप 60 सेकंड दे दीजिए, मैं बोलता हूँ। 30 सेकंड सर। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आज जिस प्रकार से ये दोनों नेता एक्सपोज हुए हैं, कांग्रेस और तेजस्वी जी, ये तो कमाल हो गया, पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। मुझे आश्चर्य हो रहा है, रणदीप सुरजेवाला बोल रहे हैं कि जाट रेजिमेंट हट जाना चाहिए, जाट रेजिमेंट नहीं होना चाहिए। यहां भारतीय जनता पार्टी जाटों का इतना सम्मान कर रही है, किसान पुत्र जाट नेता आज देश के वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, और यहां पर सुरजेवाला बोल रहे हैं जाट रेजिमेंट एक कलंक है और आर्मी से जाट रेजिमेंट को हट जाना चाहिए, जाति नहीं। ये जो जाति पूछा गया है, इतने वर्षों से पूछा जा रहा था, सुरजेवाला जी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए जाट रेजिमेंट के लिए, इस प्रकार शब्दों के लिए। मृत्युंजय जी, आखिरी 10 सेकंड, अभय जी फिर मैं आपको दूंगी 10 सेकंड, आपको भी दूंगी सर 1 सेकंड, 10 सेकंड मृत्युंजय जी। देखिए रूबिका जी, यहाँ पर बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा भ्रम फैलाया है, और संबित पात्रा जी को माफी मांगनी चाहिए देश के उन नौजवानों से, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, गरीब के बेटे जाते हैं सेना में। हाँ, मेरे पास वक्त की कमी है मृत्युंजय जी, लेकिन आपकी बात वो सुनी थी कि गरीब के बेटे जो जाते हैं उनको लेकर मुद्दा उठाया है, लेकिन जाति वाला मसला ही गलत है, आधार गलत है। इस वक्त शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते क्या कह रहे हैं। गट तैयार करून 12 लोकांचं पत्र दिलेलं आहे, हा एक विषय आज होता दिल्लीमध्ये येण्याचं कारण। दुसरा एक महत्त्वाचा विषय जो OBC रिझर्वेशन जे आहे त्याची उद्या केस आहे, आणि त्या संदर्भात देखील सर्व वकील तज्ज्ञ यांच्यासोबत बैठक प्रिपरेशन आणि सगळ्यात गोष्टींवर चर्चा, हे दोन विषय महत्त्वाचे असल्यामुळे मी या ठिकाणी आज दिल्लीत आलो होतो। मी सगळ्यात आधी सर्व 12 खासदारांचं शिवसेनेच्या 12 खासदारांचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो। मी शिवसेना के सभी 12 सांसदांचा स्वागत करता हूं। जी आम्ही महाराष्ट्रामध्ये बाळासाहेबांच्या विचारांची भूमिका, हमने महाराष्ट्र में बाला आमच्या गुरुवर्य आनंदिगे साहेबांची चे विचार, आनंदिगे साहब के जो विचार आम्ही लेकर महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र सेना भाजपा युतीचं जे सरकार स्थापन केलं, शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार जो बनाई है, उस बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होती। इससे पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी, भूमिका आम्ही सगळ्यांनी 50 आमदारांनी, हमारी भूमिका हमारे 50 विधायक राज्यभरातून उसका समर्थन, शिवसेनेचे कार्यकर्ते पदाधिकारी कार्यकर्ताओं
और पदाधिकारी जनते ने देखील, लेकिन इसके साथ साथ महाराष्ट्र की जनता ने भी समर्थन मोठ्या प्रमाणावर समर्थन बड़े पैमाने पर किया है। कारण आम्ही शिवसेना भाजप युती जी आमची रिपोल अलायन्स होता, इसके परिणाम स्वरूप आम्ही जी सार्वत्रिक शिवसेना भाजपा एकत्र लढलो होतो की जो पिछले चुनाव में साथ लड़े थे। गेल्या महिना भरामध्ये आम्ही तो निर्णय घेतला और बीते महीने भर में हमने जो फैसले किए व्हायला पाहिजे होतं ते आम्ही ढाई साल पहले होने चाहिए थे। शिवसेना भाजपा युतीचं सरकार जे सर्वसामान्य लोकांचं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जनतेच्या मनामधलं असलेलं सरकार आम्ही स्थापन केलं। शिवसेना भाजपाची सरकार ऐसी सरकार है प्रमाणात प्रतिसाद देखील या ठिकाणी। तो शिंदे गुट के जो 12 सांसद हैं उनके साथ लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और कहा कि शिवसेना का नेता आप बदल दीजिए। ABP News, आपको रखे आगे।